एक्टिविटी ये है कि मैं आप लोगों की मदद से यहाँ पे टू डिजिट का नंबर लिखूंगा। जैसे आप कोई भी दो डिजिट का नंबर बोल सकते हैं, 63, 83, 29, 74, 87, 48, जो आपको ठीक लगे वो नंबर बोल सकते हैं। इतना कर सकते हैं, बोलने का काम हो जाएगा। तो हमारे साथ में मिस्टर राजेश जी, ये आपके पास माइक लेके आएंगे, आप नंबर बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इतना बड़ा लिख दूंगा कि पीछे तक सबको दिख जाए। तो मैं चाहूंगा हमारे साथ में सर हैं, ताकि आप अगर कुछ बोलेंगे तो मुझे सुनाई दे जाए, इसलिए मैं माइक की मदद ले लेते हैं हम लोग। तो आप एक एक नंबर बोलते जाएंगे, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा। चलिए कोई भी टू डिजिट का नंबर बोलिए। जैसे इन्होंने 46 बोला, अब आप मेरे को बताइए ये 46 लिखा हुआ पीछे तक दिखाई दे रहा है? ठीक है जी, 73, 48। डिजिट लिखी है, ये सारी विजिबल है, आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा ये डिजिट आखिर लिखी क्यों है, सोच ही रहे होंगे आप लोग। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये डिजिट क्यों लिखी है। ये सारे डिजिट आप लोग रोजाना देखते हैं अपनी बुक्स के अंदर। अगर आप यहाँ पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे जरूर देखते होंगे, ये जितनी भी डिजिट लिखी गई ये क्या चीज है, ये आपके बुक्स के पेज नंबर है। पेज नंबर ये यही होती है, पेज नंबर, किस पेज नंबर पर क्या दे रखा है, किस पे दे रखा है, यही होता है। अगर हम आपको ऐसी एक टेक्निक सिखा दे कि अगर आप ये सीख जाओगे किस पेज नंबर पे क्या कंटेंट दे रखा है, आपसे पूछा जाए बताओ 23 पेज नंबर पे क्या है, 52 पे क्या है, 63 पे क्या है, 89 पे क्या है, और आप सक्षम हो जाए बताने में, अगर ऐसी टेक्निक में आपको भी ये सिखा दूं तो कितने इंटरेस्टेड है सीखने में कि हाँ हमें सीखना है। सारे लोग सीखना चाहेंगे तो ये चीज बिल्कुल सिखाई जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखाने वाला हूँ, या मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा। आपके सामने आपको डिजिट लिखी हुई है, इन्हीं से कर लेते हैं। 46 से लगा के 52 तक डिजिट आप लोगों को दिखाई दे रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये डिजिट अपने को याद करनी है और 46 से लगा के 52 तक आपको बाय हार्ट हो जाए, लेकिन टाइम आपके पास एक मिनट है, एक मिनट में कितने लोग हैं जो इसे याद कर लेंगे तुरंत सिक्वेंस में? तो हमें 11 साल हो गए ये काम करते हुए, जब हम अक्सर अभी तक हमने 550 स्कूलें की है, तो जितने भी स्कूल के अंदर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कोई हैंड रेज नहीं करता है, क्योंकि सब ये बोलते हैं अरे सर एक मिनट में से पढ़ने में लगेगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि क्या मैं करके दिखाऊं आपको ये एक मिनट में? तो सब बोलते हैं हाँ तुम तो करके दिखाओ, तुम्हारी परीक्षा हम लेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट, आप में से कोई भी एक पर्सन यहाँ पर आ जाए और सिर्फ ये डिजिट मुझे बोल के सुना दीजिए, मैं आगे देखूंगा। अगर आप में से कोई आते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे साथ जो टीम मेंबर है मैं इन्हें कहूंगा, जैसा आपको ठीक लगे। कोई भी एक पर्सन आएंगे, मैं उन्हें माइक दूंगा, वो सिर्फ डिजिट बोलेंगे, मैं सुनूंगा, उसके बाद ट्राई करूंगा रिकॉल करने की। तो शायद ही कोई गलत रहेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। आप करेंगे माइक दे दो सर, आप एक माइक लगा लीजिए। क्या शुभ नाम है सर? अखिलेश। अखिलेश जी हमारे को सपोर्ट करेंगे। अब अखिलेश जी ध्यान से ये सुनना है आपको कि आप मेरे को जब डिजिट बोलेंगे तो आपको कैसे बोलनी है। जैसे आपने पहले डिजिट बोली 46, तो आप बोलेंगे 46। जब मैं आपको बोलूं कि नेक्स्ट बोलो तब आप नेक्स्ट बोलेंगे, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता जाऊंगा, आप बोलते जाएंगे। ठीक है, करें ऐसा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गलत मत बोलिएगा नहीं तो फिर मुझे गलत याद रहेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर लेते हैं, सबको दिख जाए, इसलिए आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो सबको दिखेगा। थैंक यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को देखूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी याद करने की कोशिश करिएगा, क्या पता आप में से किसी को हो ही जाए, मैं भी ट्राई करूंगा। करता कोई नहीं है, सब इधर ही देखेंगे कि मैं क्या करता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अखिलेश जी चलिए पहले डिजिट आप मुझे 46 बोल के बताइए। हाँ बोलिए, फर्स्ट 46 है। चलिए मैं पूछता लूंगा आपसे। चलिए 46 नेक्स्ट, 73 नेक्स्ट, 48 नेक्स्ट, 87 ठीक है नेक्स्ट, 39
39 ठीक है जी, नेक्स्ट 23 ठीक है जी, 14 ठीक है जी, 14 ठीक है, 50 50 ठीक है, 53 ठीक है, 83 52 आपने क्या बोला है 83 हाँ 52 ठीक है, नेक्स्ट 98 ठीक है, 62 ठीक है, 66 ठीक है, 35 ठीक है, 46 ठीक है, 93 ठीक है, 77 ठीक है, 82 ठीक है, 52 ठीक है। चलो वेरी गुड, आपको यही रहना है, आप मैं डिजिट आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, आप सिर्फ टिक लगाएंगे तो मार्कर ले लो। वैसे टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है लेकिन शायद ही होगी। मैं वैसे आईज बंद करके सुन रहा था लेकिन मैं आईज खोलनी पड़ी, मुझे कुछ लगा गिर नहीं जाऊं इसलिए मैंने आईज खोली थी। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, मैं सुनाऊंगा आपको, रिकॉल करूंगा। टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जब मैं आप सुनाऊं, अगर कोई बीच में गलत रह जाए तो आप बीच में मत टोकिएगा कि वो गलत थी, हम लोग लास्ट में देखेंगे अगर कोई गलत रह जाती है तो। ठीक है, तो ये बच्चा टिक लगाते जाएंगे अकेले से, ठीक है सर? ये आप दूर रखोगे ना तो डर डर नहीं होगा, माइक की जरूरत ही नहीं है, ले लो सर। क्या था? चलिए स्टार्ट करते हैं। 6, 6, 3, 5, 4, 6, 9, 8, 6, 2, 6, 6, 3, 5, 4, 6, 9, 3, 7, 7, 8, 2 and last one is 64, 52, ठीक है जी? ठीक है जी? 5, 2, 5, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं आप लोगों को जो चीज बता रहा था वो ये, कि अगर ये डिजिट अपन को याद करने के, मैंने आपको टेक्निक से बताई कि भाई मैंने करके दिखा दिया, इतनी फास्ट अपन और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको, हम लोग आपको ऐसी 8-9 तरीके टेक्निक सिखाएंगे जिस टेक्निक से आप कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल विद पेज नंबर याद कर सकते हैं, जैसा आपको विपुल सर ने बताया, लेकिन कौन सा स्टडी मटेरियल वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, उस पर जरा ध्यान आप फरमाइएगा। पहला ये कि आप क्या चीज याद कर पाएंगे, आप डिक्शनरी याद कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, साइंस इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से फॉर्मूले कर सकते हो, जीके की अगर कोई भी चीज याद करनी हो, डिक्शनरी या पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स से फॉर्मूले, फिजिक्स से फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री के डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, या भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, लोकसभा विधानसभा की सीटें कहाँ कितनी है, या इसके अलावा आपका कोई भी कंटेंट जो आपको लगता हो कि ये हमें चीज याद नहीं होती है, वो चीज हम लोग याद करना चाहते हैं, वो चीज याद कराई जा सकती है। अब इसके अंदर टाइम कितना लगता है, 12 डेज का, 12 दिन की क्लास होती है, मैनेजमेंट की परमिशन रहेगी, मैनेजमेंट के सपोर्ट से यहाँ पर क्लास की जाएगी। अभी तक आज तक हम क्लास करते आ रहे हैं स्कूल में, संडे संडे क्लास होती है 2.5 से 3 घंटे की, तो यहाँ पे क्लास कराई जाएगी, जिस क्लास के अंदर आपको आपकी पसंद की कोई भी एक बुक लेकर आनी है, जो आपको हम लोग यहाँ पे कराएंगे। 12 दिन कराने के बाद 13वें दिन पेरेंट्स से आग्रह रहेगा कि वो यहाँ पे जैसे आप लोग बैठे हैं वो बैठ सकते हैं, एक बच्चा यहाँ पर, दो बच्चे, 10 बच्चे, जितने क्लास में मौजूद थे वो यहाँ पर रहेंगे। आपका काम केवल पेज नंबर बोलने का है कि पेज नंबर